Okay, so we are starting with financial reporting and analysis, FRA. Okay, financial reporting and analysis, FRA. FRA is the biggest topic in CFA L1 curriculum from a volume point of view. That does not mean that other topics which are small are less important, not at all. Because results topic-wise dependent hai, so even a small topic is very important. Theek hai? But FRA is voluminous. There are four study sessions in FRA, four study sessions organized into say three chapters, okay, more or less. 20% of the exam is on FRA, which means 120 questions in the AM session, 120 mein se 20%, kitna question, 24. So 24 AM session mein, 24 PM session mein, FRA ke upar aayega. Theek hai na? Naam kya hai? Financial Reporting and Analysis. So in that case, Financial Reporting and Analysis, so if you look at the first word, Financial Reporting, Financial Reporting is actually accounting, accountancy. And analysis, analysis is analysis of the accounting done. The subject is about accounting and its analysis, accounting and its analysis. If anyone does not have any background on accounts, when jara sa bhi accounts nahi aata hai, koi science background ka student hai, to us case mein staff se baat karke usko kuch basic accountancy ki classes hoti hai, 6-7 classes, wo collect karni hai, open classes hai, that you can watch at home regarding the basics of accountancy. Understood? That does not mean that jinka accounts tha, wo log faltu mein soche ki aap hum mere koi basics nahi aata hai, time waste ho jayega. बेसिक्स मतलब एकदम बेसिक्स जो बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर किसी का नहीं था अकाउंट्स प्लस टू में या वट एवर बैकग्राउंड नहीं है, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, तब उसको बेसिक क्लास ऑफ अकाउंट्स घर पे वॉच करने के लिए स्टाफ से लेनी है, ठीक है ना? अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम, वट एवर वी विल डू इन क्लास, वी विल इंश्योर दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. बट परसिवियरेंस चाहिए, बिकॉज बाकी टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट. इस टॉपिक में भी कॉन्सेप्ट है, बट इस टॉपिक में कहीं कहीं लर्न करने का है. लर्न माने याद रखना पड़ेगा. ऑफ कोर्स याद माने मगअप नहीं है, क्योंकि अपने को याद कैसे रहेगा, बाय प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. तो उसमें एक अलग एफर्ट है. इफ़ यू आर मगिंग अप, दैट्स बोरिंग. इफ़ यू आर सीइंग दैट यार 6-7 पॉइंट्स आ गए, आप कैसे होगा, तो डू क्वेश्चंस, अपने आप ही यू आर एबल टू रिमेंबर देम. ठीक है? तो FRA जरा सा हट के टॉपिक है, बिकॉज देर आर रूल्स, देर आर रेगुलेशंस, और रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान रखना पड़ेगा ना, पर वो क्वेश्चंस के हेल्प से और डिस्कशन के हेल्प से याद हो जाएंगे. ठीक है ना? जैसे ये फर्स्ट स्टडी सेशन चालू हो रहा है FRA का, ठीक है, फर्स्ट स्टडी सेशन. वैसे ही किसी और क्लास में सेकंड स्टडी सेशन चालू करूंगा, किसी और क्लास पे थर्ड स्टडी सेशन, किसी और में फोर्थ स्टडी सेशन इन टाइम्स टू कम, जिससे कि चारों का चारों कंप्लीट हो जाए. बट ऑब्वियसली फर्स्ट स्टडी सेशन का नॉलेज बाकी सब के लिए रिक्वायर्ड होगा टू डू द सेकेंड और द थर्ड और द फोर्थ वन. ठीक है ना? ओके, तो आपने हेडिंग दे दी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, और उस पर अपना चल रहा है फर्स्ट स्टडी सेशन. फर्स्ट स्टडी सेशन, तो बाद में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि जब क्लास का रिपीट वगैरह अनाउंस होगा तो उस समय तक सपोज सेकेंड स्टडी सेशन भी हो चुका होगा बाद में कभी, तो क्लास का रिपीट जा रहा है. इट इज़ द रिपीट ऑफ द फर्स्ट क्लास सेकेंड स्टडी सेशन. यू हैव टू रिमेंबर दिस इज FRA का फर्स्ट स्टडी सेशन. इसमें हो सकता है वील टेक अराउंड 12 क्लासेस या 11 क्लासेस, सो दैट 11 इज अ डिफरेंट सेट. FRA सेकेंड स्टडी सेशन में हो सकता है 10-12 क्लास हो, दूसरा सेट है, तो वन हैज़ टू रिमेंबर. ठीक है ना? ये कम्युनिकेशन फ्रॉम आवर साइड. FRA का फर्स्ट स्टडी सेशन, तो फर्स्ट स्टडी सेशन ऑब्वियसली इंट्रोडक्टरी होते हैं, वे वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट टू यू. इसमें देर आर थ्री चैप्टर्स. ओके, चैप्टर वन FRA - इंट्रोडक्शन, चैप्टर टू FRA - मैकेनिक्स, चैप्टर थ्री फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स,
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो तीन चैप्टर है इस पे जो कवर करना है। एकदम जो हेडिंग था ना FRA, हाँ जो हेडिंग था उस पे यू में मेंशन 20% ऑफ द एग्जाम, हेडिंग में 20% ऑफ द एग्जाम, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्ट इट, व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग, थोड़ा सा एक पॉजिटिव इंटेंट आ जाता है कि वी नीड टू डू इट नाइसली, ठीक है। और CFA लेवल 3 में जो भी टूल्स होते हैं ना फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, जो टूल्स यूज होते हैं दे आर नॉट देयर। FRA इज अ टूल, FRA इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन जो अपने CFA वाले लोग करना चाह रहे हैं। FRA टूल है जो यूज होगा मेरे को स्टॉक्स का एनालिसिस करने में। QM स्टेटिस्टिक्स इज अ टूल, ठीक है, तो विच इज यूज फॉर एनालाइजिंग स्टॉक्स। तो QM इज ऑल्सो नॉट देयर एट लेवल 3 स्टेटिस्टिक्स, FRA इज नॉट देयर एट लेवल 3, इट्स ओनली अप टू लेवल 2, ठीक है। बट जो लेवल 1 लेवल 2 में है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज गोइंग अबाउट, सुनना प्लीज। हु ओन्स अ कंपनी? शेयर होल्डर्स। वी टॉक अबाउट लिस्टेड कंपनीज। हु ओन्स अ कंपनी? शेयर होल्डर्स। हु रन्स द कंपनी? मैनेजमेंट। व्हाई डज शेयर होल्डर नॉट रन अ कंपनी? दे आर डिस्पर्स्ड अक्रॉस द ग्लोब। द शेयर होल्डर्स ऑफ TCS और इन्फोसिस, दे आर प्रेजेंट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हाउ कैन दे मैनेज द कंपनी? इट इज नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप गोइंग ऑन ना, कि तुम्हारा बिजनेस है तुम ही मैनेज कर रहे हो, तुम ही पैसा लगाए हो, तुम ही रिवॉर्ड लोगे, तुम ही रिस्क लोगे, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो देर इज अ डाइवोर्स बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट। शुरू के क्लास को कराते समय मेरे को काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, तो बिकॉज ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो बेयर विथ मी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है उसको भी बेयर करना पड़ेगा, एंड अपने आप ही उसको लगेगा कि उसका फंडामेंटल थोड़ा वीक था और स्ट्रांग हो गया, ठीक है। सुनते सुनते आई वॉज ट्राइंग टू से द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ डाइवोर्स बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट विच इज नॉट देयर इन सोल प्रोप्राइटरशिप ना, बिकॉज आप ओनर हो, आप अपना बिजनेस चला रहे हो। बट कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स एंड मैनेजमेंट इज रनिंग द बिजनेस डे टू डे, ठीक है। तो सो मैनेजमेंट शुड रन द बिजनेस फॉर हुज बेनिफिट? शेयर होल्डर्स। हाउएवर मैनेजमेंट इज गेटिंग वॉट? सैलरी। दे गेटिंग सैलरी, हो सकता है कुछ बोनस वगैरह भी हो डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस, बट बेसिकली सैलरी मिल रहा है। तो मैनेजमेंट मे नॉट वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट मे वर्क फॉर इट्स ओन बेनिफिट। दे मे अब्यूज द पावर द अथॉरिटी गिवन टू देम। दे मे अब्यूज द पावर एंड अथॉरिटी गिवन टू देम एज इन यू ऑल आर द मैनेजमेंट। कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल बाई करना है 50 करोड़ का, तो अपने रिश्तेदार से बाई कर रहे हो कितने पे? 60 करोड़ पे, जबकि वो रॉ मटेरियल 50 करोड़ मिल जाएगा, बट यू आर बाइंग फ्रॉम सम रिलेटिव ऑफ योर्स एट 60 करोड़। बाकी का 10 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वो पॉकेट में गया, शेयर कर लिए, विच वी कॉल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। और ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, या फिर आप मैनेजमेंट हो, आपका जॉब आवर्स होना चाहिए 10 to 6, यू आर नॉट कमिंग एट 10, यू आर कमिंग एट 11, गोइंग अवे एट 4, ठीक है। थिंग्स आर पेंडिंग, पेंडिंग होने दो, वगैरह 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 वगैरह। तो अल्टीमेटली जाके शेयर होल्डर्स का जो मनी है, जो एसेट्स है, जो रिसोर्सेज है, वो आपको दिया गया। यू आर अ ट्रस्टी फॉर द शेयर होल्डर्स, बिग नेम, यू आर अ ट्रस्टी फॉर द शेयर होल्डर्स, ओके। यू शुड नॉट ब्रीच द ट्रस्ट, यू शुड रन द कंपनी वेरी वेरी एफिशियंटली, कीपिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन माइंड। कीपिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन माइंड का मतलब ये हुआ कि सपोज तुमको अपॉइंट किया गया द CFO ऑफ अ कंपनी, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आपका जो सैलरी है दैट इज इक्वल टू 60 लैक्स, 60, नॉट अ बिग अमाउंट फॉर बिग कॉर्पोरेट्स, एंड आपको अलग से बोनस मिलेगा से 5% ऑफ रेवेन्यू इन एक्सेस ऑफ 500 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ से ऊपर हुआ तो आपको 5% उस पर बोनस मिलेगा। तो इन दैट केस आई थिंक फिगर्स ओके, 60 लैक्स तुम्हारा सैलरी है एंड यू विल गेट अ 5% एक्स्ट्रा बोनस इफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी क्रॉसेस 500 करोड़, करेक्ट है। ऐसा क्यों किया गया? जिससे कि आप लोग मेहनत से काम करो और रेवेन्यू 500 करोड़ के ऊपर पहुंचाओ। बट प्रॉब्लम यह है कि रेवेन्यू इज नॉट कैश कलेक्शन, रेवेन्यू इज नॉट रिकग्नाइज व्हेन इट इज रिसीव्ड, इट इज रिकग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड। आई रिपीट, रेवेन्यू इज नॉट रिकग्नाइज कि इस साल का रेवेन्यू है जब पैसा मिल गया, इट इज रिकग्नाइज व्हेन इट इज अर्नड।
Okay, now this language, revenue is recognized when it is earned, is a very very ambiguous language. कि when is revenue set to be earned? मैं आप लोगों से फीस लेके बैठा हूं, तो I have received the amount, ठीक है, तो but I have not yet delivered the service, तो have I earned the revenue? No, ठीक है, तो I have not earned the revenue. I will earn the revenue when I complete the classes. I have delivered what was supposed to be delivered, okay, the service. तो इसका मतलब I have not earned the revenue. तो इसका मतलब that revenue is not earned, ठीक है, तो but ऑब्वियसली क्लासेस का बात अलग था. रियल लाइफ में जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, तो डिलीवरी हो गया है क्या, डिलीवरी नहीं हुआ तो एडवांस पेमेंट आ गया है क्या, वगैरह वगैरह बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा. मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू अर्नड कब हुआ इज अ जजमेंटल अफेयर. वॉट अफेयर? जजमेंटल, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं. इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ग्रे, ठीक है, तो सच दैट वेदर इट इज ब्लैक और वेदर इट इज व्हाइट, वो मैनेजमेंट को डिसाइड करना है. तो मैनेजमेंट सिंपल क्या करेगा, जान पूछ के जो जो रेवेन्यू इस साल का नहीं है, जो एडवांस पेमेंट आ गया, या कस्टमर को फोन किया बोला यार तुम एडवांस पेमेंट हम लोग को भेज दे, ठीक है, माल तेरे को नेक्स्ट डे डिलीवर कर देंगे, और इस साल का रेवेन्यू बुक कर लिया. वो मान लिया रेवेन्यू इस साल का हो गया, तो इस साल का रेवेन्यू 500 करोड़ से ऊपर चला गया, वो 5% बोनस ले लिया, तो प्ले कर दिया ना. सिंस ही न्यू ही कैन गेट 5% बोनस ओवर एंड अबव 500 करोड़, ही प्लेड विद द थिंग बिकॉज ही न्योज दैट रेवेन्यू इज रिकग्नाइज वेन इट इज अर्नड. अगर होता ना रेवेन्यू इज रिकग्नाइज वेन इट इज रिसीव्ड, तब खेल नहीं पाता, बिकॉज कैश को कोई झुटला नहीं सकता है. कैश आया फैक्ट है, नहीं आया फैक्ट है, बट अर्न हो गया क्या, दैट्स अ वेरी डाइसी थिंग, बहुत डाइसी थिंग है, ठीक है. मैं बोलूंगा कुछ कुछ लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, दे आर डूइंग स्पेशल लाइव क्लासेस, तो एक तरह से उनका रेवेन्यू आई हैव अर्नड बिकॉज मैंने उनको क्लास घर पर दे दी है, एक तरह से डिलीवरी हो गया मेरे तरफ से. तो कितना एम्बिगुअस है ना, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड. मेरा एग्जाम्पल का बात नहीं है, बात है कि आई एम नॉट एबल टू टेक मोर एग्जाम्पल्स ओवर हियर राइट नाउ एट द बिगिनिंग. तो मैनेजमेंट तो रेवेन्यू को मैनिपुलेट कर सकता है, और इस साल यहां मैनिपुलेट किया, उसके बाद जॉब छोड़ेगा, दूसरे कंपनी में जाएगा, वहां मैनिपुलेट कर देगा, और इस कंपनी पता चलेगा ओ ये तो इस साल का था, नीचे गया, अब वो जो दूसरा आएगा वही मैनिपुलेट कर देगा. अरे हम लोग तो इसलिए किए थे कि तुम लोग मेहनत करो और रेवेन्यू को जेन्युइनली ज्यादा बढ़ाओ, पर तुम लोग तो खेल लिए इससे, ठीक है. और जो तुम लोग खेले उससे इतने सारे लोग जो कंपनी का इनकम इस साल का देखे कि इनकम क्या हुआ, वो लोग लगे अरे इनकम तो बहुत हाई हो गया, कंपनी बहुत बढ़िया चल रहा है, ये कंपनी बढ़िया है, मैं इसका शेयर होल्डर बनना चाहूंगा, तो मैंने अपना प्रेशियस सेविंग्स इस कंपनी में लगा दिया, ठीक है. तो अल्टीमेटली जाके कंपनी बढ़िया नहीं है, वो पता चल जाएगा, द शेयर प्राइस विल फॉल, आई लूज माई मनी. इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल हु आर लुकिंग एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द बैलेंस शीट, एंड ट्राइंग टू असेस वेदर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, ठीक है. तो इन दैट केस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. तो प्रॉब्लम क्या है कि मैनेजमेंट को अपने अपॉइंट किए कंपनी को चलाने के लिए, पर मैनेजमेंट का वेस्टेड इंटरेस्ट कंपनी को बढ़िया से चलाने में नहीं है, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट खुद को बढ़िया से चलाने में है, ठीक है. तो मैनेजमेंट जो है वो खुद का बेनिफिट करने वाला है. इसके लिए ऑफ ट्रैक जा रहा हूं. बहुत सारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डिजाइंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिससे काश ट्रांसपेरेंसी आए और दिखे कि मैनेजमेंट क्या दिख रहा है, कोई उसको मॉनिटर करे, कोई विजिलेंट करे. अगर यहाँ क्लास टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पे सुपरवाइजर रहे जिससे कि कोई चीटिंग नहीं कर पाए, ठीक है. तो वैसे बहुत सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जिससे मैनेजमेंट फाइन ट्यून्ड रहे. वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अपने बोलते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस. क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट गवर्नेंस, जो मेरा टॉपिक अभी नहीं है. कॉरपोरेट गवर्नेंस जो अलग से एक सब्जेक्ट में आएगा, कॉरपोरेट फाइनेंस. किस पे? कॉरपोरेट फाइनेंस. उसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाएं, कैसे ऐसे करें कि मैनेजमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए काम करे. उसके लिए एक तरीका तो पता है, वी अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वी अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉट रनिंग द कंपनी, दे आर नॉट इन चार्ज ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट. दे आर नॉट इन चार्ज ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट. दे आर लाइक पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय अस. दे आर लाइक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, विजिलेंस ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स अपॉइंटेड बाय मी इन अ क्लास टेस्ट, सो दैट दे कैन विजिलेंटली सी एज टू व्हाट मैनेजमेंट इज डूइंग, ठीक है. तो और अगर मैनेजमेंट उसी सुपरवाइजर को, ठीक है, पैसा खिला के अपने अंदर मिला लिया, तो इट्स लाइक क्लास टेस्ट हो रहा था और सुपरवाइजर को तुमने 100 रुपया दिया और वो बोला हाँ कर, ठीक है, बुक ही दे दिया तुमको, वैसा वाला हाल. देर कुड बी सच इश्यूज, ठीक है. तो इट्स थिंग्स आर नॉट सो इजी, इट्स डिफिकल्ट, पर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में करूंगा मैं. वो सारा डिस्कशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होगा. अभी बैक टू द सेम मैटर. मैनेजमेंट मैनेजमेंट को पीरियोडिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को.
आपने कैसा परफॉर्म किया? हम लोग तो अपने काम में लगे हुए हैं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, अपना बिजनेस हम लोग पैसा लगा रखे हैं, मेरे को रिपोर्ट दो ना, तुमने कैसा परफॉर्म किया। हर क्वार्टरली रिपोर्ट दो, हर क्वार्टरली रिपोर्ट दो, या हर 6 महीने में रिपोर्ट दो, या हर साल में रिपोर्ट दो। रिपोर्ट तो जैसे एक मैंने पेरेंट का अपने बच्चे का रिपोर्ट देखता है, ओके, रिपोर्ट कार्ड, तो पता चलता है ना बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस सब्जेक्ट में कैसा, किस सब्जेक्ट में कैसा नहीं। तो रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, द स्कूल प्रिपेयर्स दैट रिपोर्ट कार्ड बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस। वैसे ही मैनेजमेंट खुद अपना रिपोर्ट कार्ड बना रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। बच्चे का तो रिपोर्ट कार्ड बच्चा खुद नहीं बना रहा है, स्कूल बना रहा है, ठीक है। तो बट मैनेजमेंट खुद अपना रिपोर्ट कार्ड बना रहा है, हमने फलाना 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 ऐसा परफॉर्म किया। उसमें तो गड़बड़ होने का 99.99% चांस है, फायदा ही नहीं है फालतू मैंने अच्छा एथिकल बात करके, ठीक है। जब मैनेजमेंट खुद ही अपना रिपोर्ट बना रहा है तो रिपोर्ट कैसा बनाएगा? उसने बढ़िया परफॉर्म किया या खराब परफॉर्म किया? बढ़िया परफॉर्म किया। बट इस रिपोर्ट के बेसिस पे तो सारा दुनिया डिसीजन लेने वाला है, लोग डिसाइड करने वाले हैं शेयर को बाई करना है कि नहीं, लेंडर्स डिसाइड करने वाला है कंपनी को लोन देना है कि नहीं, इन्वेस्टर्स डिसाइड करने वाले हैं कंपनी का डिवेंचर्स बाई करना है कि नहीं, क्रेडिटर्स डिसाइड करने वाले हैं कंपनी को उधार में माल सप्लाई करना है कि नहीं, कस्टमर्स डिसाइड करने वाला है कंपनी का गुड्स खरीदना है कि नहीं, ठीक है। सोसाइटी इज ऑल्सो लुकिंग एट द कंपनी फॉर डूइंग सम CSR एक्टिविटी, ठीक है। तो इन दैट केस देर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स व्हेन अ कंपनी रन्स। स्टेक होल्डर्स, क्या बोला? वर्ड चेंज कर दिया मैंने, पहले चल रहा था शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स आर ओनली वन स्टेक होल्डर, देर आर अदर स्टेक होल्डर्स लाइक लोन प्रोवाइडर्स, लाइक डेट प्रोवाइडर्स, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक कस्टमर्स, लाइक गवर्नमेंट, लाइक सोसाइटी, ठीक है। तो ऑल दीज पीपल हैव रिसोर्सेस, ऑल दीज पीपल हैव रिसोर्सेस। लोगों के पास रिसोर्सेज है, या तो पैसा है या समय है। वो रिसोर्सेज लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? बेसिक इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और अनलिमिटेड? लिमिटेड, यू नो दैट, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इतनी सारी कंपनीज है, मैं अपना रिसोर्स किसको सप्लाई करूं? मैं रिसोर्स किसको सप्लाई करूं? यार मैं बढ़िया कंपनी को सप्लाई करूंगा। बढ़िया कंपनी मेरे को पता कैसे चलेगा? ओ, ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाते हैं, ये लोग रिपोर्ट लाते हैं, ये लोग का रिपोर्ट पब्लिक रिपोर्ट है, ये लोग की वेबसाइट पर जाओ, सभी की वेबसाइट पर रिपोर्ट मिल जाएगा। वो रिपोर्ट को स्टडी करके मैं जान जाऊंगा ये कंपनी बढ़िया या घटिया है, कौन सा कंपनी बढ़िया है। उस कंपनी का शेयर बाई करूंगा, उस कंपनी का बॉन्ड बाई करूंगा, उस कंपनी को लोन दूंगा, उस कंपनी को माल सप्लाई करूंगा, उस कंपनी का गुड्स बाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे को वो रिपोर्ट पे रिलाई करना है, ये तो सारी दुनिया को रिलाई करना है, बहुत हाइट्स वाला बात हो रहा है। एवरीबडी इज गोइंग टू रिलाई ऑन दैट रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट मैंने बोला 99.9% गलत होने वाला है, मैंने बोला वो रिपोर्ट गलत होने वाला है, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। एवरीबडी रिक्वायर्स दैट रिपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग डिसीजंस, एंड द रिपोर्ट इज गोइंग टू बी बायस्ड, गोइंग टू बी बायस्ड। इन दैट केस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इमर्ज। व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स का जब बात करते हैं कि भाई कुछ एक हिसाब किताब है जिसके हिसाब से आपका अकाउंटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं बात कर रहा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्या रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, व्हेन इट इज अर्नड के ऊपर देयर इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हिच सेज दैट रेवेन्यू कब अर्नड माना जाएगा। अब बड़ा सारा स्टैंडर्ड हो तो ठीक है, कि रेवेन्यू का अर्निंग प्रोसेस कब कंप्लीट हो गया उसके ऊपर स्टैंडर्ड है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैंडर्ड क्या किया है सुन लो, वो स्टैंडर्ड अगर तुम्हारे पास इतना फ्लेक्स, तो माने मैनेजमेंट तुम्हारे पास इतना फ्लेक्सिबिलिटी था, हम ये कर लेंगे, ऐसे दिखा देंगे, वैसे दिखा देंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी इतना के बजाय इतना हो गया, पर इतना नहीं हुआ। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी था ना कि तुम कैसे अकाउंटिंग कर सकते हो, वो अगर पूरा ऐसे था फ्लेक्सिबिलिटी, वो फ्लेक्सिबिलिटी कम होके इतना हो गया, इतना, पर अभी भी तो इतना नहीं हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई हैंड सिंबल? इसका मतलब वो स्टैंडर्ड्स ने लिमिट कर दिया द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू द मैनेजमेंट, लिमिट कर दिया द नंबर ऑफ चॉइसेस, बट फिर भी चॉइसेस है, फिर भी चॉइसेस है, बिकॉज जजमेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो जजमेंट इज इन्वॉल्व, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर देयर टू नैरो डाउन द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स टू अकाउंटिंग, बट दे डू नॉट बॉइल डाउन द चॉइसेस टू अ सिंगल चॉइस। नो, देर आर स्टिल चॉइसेस। नाउ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस बोलना चाह रहा है कि आपको, आपको क्यों, वो बाद में आ रहा हूं, बिकॉज एवरीथिंग इज टेकिंग टाइम फॉर मी टू कम्युनिकेट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब आपको जानना है वो स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको जानना है वो स्टैंडर्ड्स क्या है। जान गए?
तो भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो स्टैंडर्ड्स में से कौन सा जजमेंट लगा के मैनेजमेंट को यूज करना चाहिए था, वो आपको बुद्धि लगाना है और एनालिसिस करना है. क्या करना है? एनालिसिस. तो अकाउंटेंसी कहां एंड होता है? जहां अपने स्टैंडर्ड्स के बारे में जान गए. एनालिसिस कहां चालू होता है? ओके, ये चॉइसेस था, इनमें से यार ये लोग ये क्यों किए, ये करना उचित है क्या, एकदम सही है क्या, इस केस में यही करना चाहिए था क्या. एनालिसिस, ठीक है? तो वो एनालिसिस है. तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटेंसी. जो अकाउंटेंसी कर रहा है उसको स्टैंडर्ड जानना पड़ेगा कि नहीं? जानना पड़ेगा, वरना अकाउंटिंग कैसे करेगा वो. जो अकाउंटेंसी कर रहा है उसको स्टैंडर्ड्स नहीं पता है तो अकाउंटिंग करेगा कैसे? एंट्री मारेगा कैसे? मार दिया एंट्री वो, अब उसका एनालिसिस इवैल्यूएशन, वो सही एंट्री मारा कि नहीं मारा, ठीक है? तो क्यों एनालिसिस? एनालिसिस इसलिए बिकॉज अपने इन द CFA करिकुलम वी आर द पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड एन एक्सपर्टाइज इन एडवाइजिंग क्लाइंट्स एज टू विच स्टॉक टू बाय, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स विच बॉन्ड टू बाय, एडवाइजिंग बैंक्स विच कंपनी टू गिव अ लोन, ठीक है? तो वी आर द वंस हु आर गोइंग टू एडवाइज इन्वेस्टर्स विच स्टॉक टू बाय, विच बॉन्ड टू बाय, विच कंपनी टू गिव अ लोन. तो वी विल देयरफॉर कॉल्ड एनालिस्ट. क्या? एनालिस्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिस्ट. बट अगर ऐसा है सर, तो बाकी सब्जेक्ट करिकुलम में क्यों है? व्हाई आर द टॉपिक्स देयर? क्योंकि केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप कंपनी के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते हो. आपको इकोनॉमी को देखना पड़ेगा क्या? यस. एक कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा यार, मेरे को फोरकास्ट करना है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो लास्ट ईयर का है, वो तो पास्ट है. इज पास्ट रेलेवेंट? यस इट इज, नो डाउट पास्ट इज रेलेवेंट. बट इज पास्ट सफिशियंट? नो. आई नीड टू एनालाइज द इकोनॉमी, आई नीड टू एनालाइज द इंडस्ट्री. इकोनॉमी कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री कैसा चल रहा है, सब वो कैसे एनालाइज करते हैं? इकोनॉमिक स्टडी करके. सब वहां तो बहुत सारा डेटा आएगा, क्या करते हैं? स्टेटिस्टिक स्टडी करते हैं, ठीक है? तो इन दैट केस वो एनालिसिस करना है अपने को, ठीक है? तो यहां पे वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ एफ आर वर्सेज एफ एस ए. एफ आर इज वॉट? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. एफ एस ए इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. यू हैव टू स्लो डाउन, वर्ड को स्लो करके समझोगे जिंदगी भर रिटेन रहेगा, भागोगे रिटेन नहीं रहेगा. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. क्या बोले? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. इस पे बीच का वर्ड था AS. AS वॉज वॉट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, उसका एक बोर्ड है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निकालता है, उसका नाम है IASB. क्या नाम है? IASB. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ आर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री थिंग्स. नंबर वन, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नंबर टू, फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. नंबर थ्री, चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर से, इंफॉर्मेशन अबाउट थ्री थिंग्स. नंबर वन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा, फाइनेंशियल पोजिशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. तीसरा, चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है? अकॉर्डिंग टू IASB, IASB का फुल फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है? और समझ में आ रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको ये करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए. तो इंटरनेशनल ग्लोबल, ठीक है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड डिफाइन्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एफ आर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला. तीन चीज, टू वेरीड यूजर्स टू इनेबल देम इन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. ठीक है? तो FR का पर्पस क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. किसको? वेरीड यूजर्स. बहुत सारे यूजर्स है. कौन कौन से यूजर्स है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. यस, अगर तुम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, तुमको डिसाइड करना है शेयर को होल्ड करें या बाई कर या बेच के निकल जाएं. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर. क्या? प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव बॉन्ड होल्डर्स. ठीक है? तो ये सारे के सारे जन को अपने को, यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है. ठीक है? तो
so that they can take economic decisions. They can take economic decisions. That is the objective of FR, objective of financial reporting. ठीक है, FR का ये objective है. The objective of FSA, the objective of FSA, full form, financial statement analysis, is to use the information provided by FR, is to use the information provided by FR along with other relevant information to take economic decisions. ठीक है, to use the information provided by FR along with other relevant information about the economy, industry, etc. to take economic decisions. ठीक है, look at the first LOS please. तो आपको दिख रहा है फर्स्ट पेज में LOS A, describe the roles of financial reporting and financial statement analysis. दिखा आपको, describe the roles of financial reporting and financial statement analysis. ठीक है, that is what I was trying to complete. Of course, एक एक चीज जो उसका अंदर बोला वो possible नहीं है dictate करना. For example, why would I dictate over here corporate governance? ठीक है, तो वो एक pickup था, और pickup का फायदा तब उठता है जब you are revising the stuff at home without delay, because then you are remembering the exact pickup with which the class went. समझ गए? So you'll have to ensure that you don't delay in revising. You're opening this after 2 months. How will you remember the entire tone which I built up to reach over here? ठीक है, तो बोलना तो क्या इतना ही था. FR क्या है? To provide information. FSA क्या है? To use information. रटने वाइज अलग चीज है कि तुम रट रहे, but this रटने से चलेगा ही ना, because रटने का तो एग्जाम ही नहीं है. ठीक है, तो आपको उसको फील करना पड़ेगा क्या 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 बोले सर, कि शेयर होल्डर्स ओन करते हैं, मैनेजमेंट रन करते हैं, मैनेजमेंट अपने बेनिफिट के लिए रन करते हैं, कौन सा शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए, फिर मैनेजमेंट रिपोर्ट करते हैं, हम लोग कैसा परफॉर्म किए. जाहिर है रिपोर्ट गलत करेंगे वो लोग, उनको नैरो करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसको ये करता है. अब मैं इसको ये कैसे लिखाऊं अभी, और लिखाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, कोई बात नहीं है. ठीक है, तो करने के बाद भी तो FSA क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि सही किया कि नहीं किया अकाउंटिंग. ठीक है, तो आपको टोन तभी याद रहेगा जब डिले के बिना रिवाइज करोगे. ठीक है, लिखो LOS A. तो क्या है कि फीडबैक जो होता है ना, फीडबैक वो एक अच्छा एक्सरसाइज है. तो ऑब्वियसली मैं खुद का भी इवैल्यूएशन और फीडबैक लेता रहता हूं. टोटल में FRA में करीब 40-45 क्लासेस जो है टोटल FRA में कराई हुई है. पर जो लोग भी नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट है ना, नॉन अकाउंटिंग स्टूडेंट जो क्लासेस करते हैं स्पेशली आउटसाइड कैलकटा, उन लोग का एक जनरल फीडबैक है कि सर जैसे आप बाकी टॉपिक में रुकते हैं ना, रुकते हैं, FRA में रुकते नहीं हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं. दैट्स बिकॉज पर हो सकता है बिकॉज मेरे को 40-45 क्लास का प्रेशर रहता है कि व्हाट डू आई डू. ठीक है ना, पर इस बैच में आई थॉट मैं एकदम भी नहीं दौड़ूंगा, जो हो जाए 40 का 80 लगे तो लगने दो. ठीक है, तो आई विल गो वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. ठीक है, क्लास ज़्यादा जाए जाए, ठीक है, बट वी नीड टू इंश्योर दैट टॉपिक वैसे ही बैठे जैसे बाकी बैठता है. ठीक है, चलो LOS A, रोल ऑफ FR एंड FSA, रोल ऑफ FR एंड FSA, role of FR and FSA, financial reporting and financial statement analysis. तो इसमें पॉइंट नंबर वन लिखाने के पहले थोड़ा सा लैंग्वेज सुधारना पड़ रहा, लैंग्वेज सुन लो. IASB जो नाम लिया ना, IASB का फुल फॉर्म क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. उसका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो अपने को जानने, कोई बात नहीं, पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो जिस सोर्स से इमर्ज किया, जिस सोच से उस सोच को बोलते हैं फ्रेमवर्क. क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क फॉर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रेमवर्क. तो अकॉर्डिंग टू IASB फ्रेमवर्क वर्ड यूज कर रहा हूं, वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन जो थर्ड चैप्टर है उसमें वो फ्रेमवर्क के बारे में चैप्टर है. थर्ड चैप्टर जो ना वो फ्रेमवर्क के बारे में, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू टच दैट वर्ड. फ्रेमवर्क मतलब वो सोच, वो ढांचा जिससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स निकलते हैं. ठीक है, उसके ऊपर वो थर्ड चैप्टर है, तो दैट्स कॉल्ड फ्रेमवर्क. ठीक है ना, लिखो नंबर वन, एज पर IASB फ्रेमवर्क,
as per IASB framework. IASB framework, comma, the objective of FR, the objective of FR, अपने short forms use करेंगे सब चीज का, but इतने बार बोलने वाले हैं कि आपको ऐसा नहीं हो कि याद नहीं आ रहे. The objective of FR is to provide information about about financial performance of a firm, financial performance of a firm over a period of time, comma, financial position at a point of time. जिन लोग अकाउंट्स बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल पोजिशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज वॉट बैलेंस शीट, जबकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज वॉट पी एल अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉमा फाइनेंशियल पोजिशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन एंड चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन एंड चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन change in financial position over a period of time, change in financial position over a period of time, change in financial position over a period of time to varied users, VARIED, tarah tarah ke users, varied users, bracket, existing and potential, ब्रैकेट में existing and potential shareholders, comma, debt holders, माने debenture holders, bond holders, okay, debt holders, comma, creditors, etc. ब्रैकेट क्लोज. लैंग्वेज का टोन चल रहा था. ऑब्जेक्टिव एफ आर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, अबाउट वाला पार्ट छोड़ो, इन्फॉर्मेशन टू वॉट, वेरिड यूजर्स, ब्रैकेट वाला पार्ट छोड़ो, ठीक है, वेरिड यूजर्स, ब्रैकेट क्लोज के बाद, फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, टेकिंग ही बेटर रहता है ऐसे, हाँ, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस के ब्रैकेट में whether to buy oblique sell a stock, comma, whether to grant credit to the company, etc. ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. ओके, तो ब्रैकेट के बारे में ध्यान नहीं दें, अभी स्मूथली रीड करें. द ऑब्जेक्टिव एफ आर इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू होम, वेरिड यूजर्स, फॉर देम टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट नंबर टू, the objective of FSA is to use the information provided by FR along with other relevant information,
ओके, जो अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखा है उसके ब्रैकेट में एलओएस सी एन डी, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के ब्रैकेट में एलओएस सी एन डी, एलओएस सी एन डी ब्रैकेट क्लोज, इन ऑर्डर टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, इन ऑर्डर टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, इन ऑर्डर टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, टेक इकोनॉमिक डिसीजंस. ओके, नाउ सिंस फर्स्ट वाला तो डेफिनेशन था जो आईएएसबी ने दिया, पर सेकेंड वाला डेफिनेशन नहीं था, मतलब था, तो मतलब के अंदर तो और इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं ना. लैंग्वेज के नॉट बी सेम कि साहब ने लिखा है यूज इंफॉर्मेशन तो यूज से ही मल्टीपल चॉइस देगा, ऐसा थोड़ी है. तो इन दैट केस फॉर एग्जाम्पल इसको सेकेंड वाले पार्ट को इलेबोरेट करना पड़ेगा. मैं कंपनी का लास्ट 10 साल का पीएल अकाउंट स्टडी कर रहा हूँ, लास्ट 10 साल का इनकम स्टेटमेंट स्टडी कर रहा हूँ. मैंने चार्ट्स बनाया कि सेल्स का ट्रेंड चार्ट क्या बन रहा है, चार्ट, ठीक है, चार्ट बनाया, चार्ट से एक ट्रेंड पता चला. फिर मैं इकोनॉमी को स्टडी किया, इंडस्ट्री को स्टडी किया, उससे मेरे को फोरकास्ट लगा, ओ कंपनी का ये होने वाला है सेल्स. ये सब काम किसका है, एफएसए. तो पास्ट का ट्रेंड पता करना, पास्ट परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट इवैल्यूएट करना परफॉर्मेंस को, और उसके हेल्प से फ्यूचर को फोरकास्ट करना, ठीक है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना जिससे क्लाइंट को एडवाइस कर सके वो क्या करे, इज द जॉब ऑफ व्हाट, एफएसए. ठीक है, पैरा चेंज. दिस मीन्स एफएसए विल इन्वॉल्व इवैल्यूएटिंग past performance, evaluating past performance, evaluating past performance, comma, developing trends, जैसे technical analysis में trends निकालते हैं वैसे financial statement में trend निकालना, developing trends, comma, studying, EIC, what is EIC? Economy, industry and company. Studying EIC and forecasting the future. Full stop. Note. For the CFA program, FSA is an input or tool for valuing stocks and bonds. ठीक है, तो जो इक्विटी वैल्यूएशन होता है ना जिसमें बहुत सारे मॉडल्स होंगे, वो मॉडल्स पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे एफएसए वहां काम आएगा, वो एक टूल है फॉर वैल्यूइंग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. ठीक है, मल्टीपल चॉइस पे आओ. पेज नंबर 2, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ कंपनी सो दैट यूजर्स कैन मेक डिसीजंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ व्हाट, एफआर, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग, एफआर. नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ एफएसए, लीस्ट एक्यूरेटली, गलत कौन सा है, यानी दो तो सही है. नंबर ए, एफएसए के बारे में, Use the information in financial statement to make economic decisions. ये तो सही है. B, provide reasonable assurance that financial statements are free of material error. ऐसा कुछ नहीं बोले अपने. और ये वाला चीज जो है ऑडिटर करता है. कौन करता है? ऑडिटर, जो अपने करेंगे. LOS में है. ओके, ये ऑडिटर का काम है. ओके, तो ऑडिटर, ऑडिट का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन. ऑडिट माने क्या? टू वेरीफाई. तो ऑडिटर जो है, a CA firm in India, a CPA firm in US will
study the financial statements and give his opinion as to whether the financial statements are true and fair or not. Okay? We have not come to that LOS, so do not mind my one-liner touch upon audit. We'll come to it. Okay? Later. So audit ka kaam hai, verify karke opinion dena. Okay? So B wrong hai. C, evaluate an entity's financial position and past performance to form opinion about the future ability to earn profit and generate cash flow. Okay? That is FSA. Answer kaun sa hai? B. Okay? 2B. Page number 5. Page number 5, question number 1. According to IASB, which of the following least accurately describes financial reporting? Financial reporting ke bare mein kya galat likha hua hai? Financial reporting number A provides information about changes in financial position of an entity. Yes, it does. It provides information about three things. One of the thing was changes in financial position. Financial reporting is useful to a wide range of users. Yes, it is. It's useful to a wide range of users. See, financial reporting uses the information in company's financial statement to make decisions. Is it true? No. This is the job of what? FSA. To use the information to take decision is FSA. Number two, the role of FR, the role of reporting is most likely number A, to help users in making forecast about the future performance of the company. Okay, to help users, number B, to provide information that is useful to a wide range of users. So, this is the answer. Okay, to provide information that is useful to a wide range of users. C, to provide historical trend about company's performance. Ye trend friend nikalna kiska kaam hai? FSA. Theek hai to? The answer is what? B. Number 3, which of the following best describes financial reporting and financial statement analysis? Number A, financial reporting refers to how companies show their performance, and financial analysis refers to using the information to make decisions. True? Theek hai na? Jabki B mein kya likha hai? A to answer ho gaya waise. Financial reports assess a company's past performance. They do not. They just provide the past performance. The objective of financial analysis is to provide information. Financial analysis ka purpose to provide information nahi hai, kya hai? To use the information. Theek hai na? Okay. Next. LOS number F. LOS number F. A ke baad directly F pe aaya hu because ek connectivity hai A aur F mein. Theek hai? So many a times we do that. Theek hai? We skip LOS's ka order to ensure a rhythm of the class. Steps in the FSA framework. Like the LOSF, steps in the FSA framework. Steps in the FSA framework. So jaise IASB ka framework tha na? So steps in the FSA framework. Steps in the FSA framework. ठीक है? Discuss कर रहा हूँ. Steps है. तो step 1, 2, 3, 4 होने वाला है. कि FSA में सब framework में क्या steps है? Framework में क्या steps है? First step है, what is the purpose of the analysis? And what is the context of the analysis? What is the purpose of the analysis? What is the context of the analysis? Purpose means what questions are you wanting to answer? जब analysis खत्म हो जाएगा, तुमको क्या answer करने का मन है? Sir, हमको ये answer करने का मन है कि ये share underpriced है कि overpriced है? ये मेरा purpose है. ठीक है? Could be. ये company long term solvent है या insolvent है? Doubt है. ये मेरा purpose है. ये कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन इसका गुड है या बैड है ये मेरा पर्पस है तो व्हाट क्वेश्चंस डू आई नीड टू बी आंसर्ड पर्पस एंड इन व्हाट फॉर्म आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड वो किस फॉर्म में आंसर दिया रहेगा फॉर्म इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन हैज टू बी
in tune with the sophisticatedness of the audience. Okay? If I am teaching an audience, I will have to know उनको किस तरीके से बताने से ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश और दिस और दैट, नंबर्स ज़्यादा यूज़ करूँ कि नंबर्स कमती यूज़ करूँ, तो पढ़ाने का स्टाइल भी तो डिपेंड्स अपॉन द सोफिस्टिकेटेडनेस ऑफ द ऑडियंस. तो बोले आपको जो क्वेश्चन का आंसर करें आप कैसे करेंगे, टेबल्स में, बहुत फॉर्मूला में, लैंग्वेज ओरिएंटेड, क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो स्टेट द पर्पस. ओके, पर्पस व्हाट, व्हाट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड इन व्हाट फॉर्म टू बी आंसर्ड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनालिसिस. कॉन्टेक्स्ट माने व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू कैरी आउट द एनालिसिस एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम गिवन. व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड व्हाट इज द टाइम फ्रेम गिवन. दिस इज स्टेप वन, पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट. पर्पस माने व्हाट इज टू बी आंसर्ड एंड इन व्हाट फॉर्म. कॉन्टेक्स्ट माने व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड इन व्हाट टाइम फ्रेम. ठीक है ना. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एफएसए, पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट. सेकेंड स्टेप ऑफ एफएसए, वंस यू डिटरमाइन द पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, देन यू आर एबल टू डिसाइड. चलो डेटा कलेक्ट करते हैं. क्या डेटा कलेक्ट करते हैं? बिकॉज डेटा कौन सा कलेक्ट करे, वही वाला तो डेटा सर जो आपको पर्पस फुलफिल करेगा. तुमको अपना पर्पस ही नहीं पता तो डेटा कैसे पता है? कलेक्ट करते हैं, गैदर डेटा. ठीक है, और टाइम नहीं पता, रिसोर्सेज नहीं पता, तो आपको तो कंस्ट्रेन करना पड़ेगा. मैंने बोला एक सप्ताह में एफएसए करना है, ये एनालिसिस करके देना है, तो मैं उसके हिसाब से फिर डेटा कलेक्ट करूंगा. तो पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट के बिना डेटा कैसे सोचे? गैदर डेटा. गैदर डेटा, सबसे मेन डेटा तो हो गया कंपनी का एनुअल रिपोर्ट. कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्लीज किसी के लिए हाई फाई लैंग्वेज नहीं हो. एनुअल रिपोर्ट, जैसे होता है चाइल्ड का एनुअल रिपोर्ट, कंपनी का एनुअल रिपोर्ट विच कंसिस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट, कंपनी ने इस साल क्या कमाया, द बैलेंस शीट, द कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट माने कितना कैश आया, कितना कैश गया और कहां कहां से. तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट माने व्हाट डज द कंपनी ओन एंड व्हाट डज द कंपनी ओ. कोई भी अगर कोई साइंस स्टूडेंट है जिसका अकाउंट्स बैकग्राउंड नहीं है, ओके, तो इन दैट केस इनकम स्टेटमेंट का बात करें, इनकम स्टेटमेंट मतलब कंपनी का रेवेन्यू सेल करके माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट क्या हुआ इस साल. सपोज यू आर डूइंग सम बिजनेस, तो यू विल प्रोड्यूस समथिंग, कॉस्ट लगेगा, एंड देन यू विल सेल इट, रेवेन्यू आएगा, तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, तो उसके अलावा यू हैव सम एसेट्स टुडे, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह, तुम्हारे खुद का पर्सनल एसेट्स है. यू हैव सम लायबिलिटीज, बैंक लोन वगैरह. ठीक है, तो एंड द रिमेनिंग इज योर नेटवर्थ, योर इक्विटी. तो एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी, दैट इज बैलेंस शीट. व्हाट इज दैट? बैलेंस शीट, पॉइंट ऑफ टाइम. कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश कितना कितना इस साल आया कहां कहां से, और कैश कितना कितना गया कहां कहां गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये सारा अपने कलेक्ट करेंगे. उसके अलावा एक चीज सुनना, अगर दिया हुआ सेल्स, हैव अ लुक, सेल्स डैश 800 मिलियन, फिर दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्या बोले? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचे ना उसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से 300 मिलियन. ठीक है, somebody will calculate, suppose GP, gross profit, क्या profit? Gross profit is what? $500 million. ठीक है, then somebody will write sales, general and administrative expenses. क्या लिखा? Sales, selling, general, administrative expenses, we call it SGA. ठीक है, तो just write it as SGA, SGA, selling expenses, general expenses, administrative expenses. That is suppose equal to another 100 million. ठीक है, तो in that case we get the operating profit. Which profit? Operating profit. Operating profit. Operating profit is 400 million. Operating profit comes from the word operations. क्या? Operations का मतलब हो गया तुम्हारा धंधा, तुम क्या चीज का business कर रहे हैं, उससे तुम क्या profit कमाया. ठीक है, तो ऑपरेशंस, वी डोंट मिक्स इट अप विथ फाइनेंशियल. फाइनेंशियल मतलब तुमने लोन फोन लिया होगा, तो लोन फोन लिया तो उसका इंटरेस्ट भी तो जाएगा, पर वो इंटरेस्ट जो जाएगा इट इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. व्हाट एक्सपेंस? फाइनेंशियल. तो इन दैट केस अपने वो दिखाए इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस. तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है सपोज 80 मिलियन, तो इन दैट केस आ गया अपना प्री टैक्स प्रॉफिट. क्या प्रॉफिट? प्री टैक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट टैक्स के पहले प्रॉफिट 320 मिलियन. 320 मिलियन में से टैक्स गया, ठीक है, सपोज टैक्स गया 50 मिलियन,
तो इन दैट केस बचा अपना नेट इनकम, क्या नेट इनकम और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट इनकम और नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू व्हाट, 270 मिलियन, 270 मिलियन। इसमें ऑब्वियसली और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जो मैंने स्किप किए हैं, ठीक है। तो मैं तो एक आइडिया दे रहा था इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है, बिकॉज मैं बोलते जाऊंगा और बाई चांस किसी का वैसे बैकग्राउंड नहीं है तो वो समझेगा नहीं इनकम स्टेटमेंट, ये इनकम स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम, कि इनकम कैसे आया। अब प्रॉब्लम ये है, अगर ये इनकम स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये 800 के साथ मैनेजमेंट ने हो सकता है खेलाओ, मैं बोला हो सकता है 800 के साथ खेलाओ, सर करेक्टली स्पीकिंग ये 750 होना चाहिए था, ये लोग बढ़ा के 800 दिखाए हैं, ये 300 के साथ हो सकता है खेलाओ, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गलती दिखाया है, ओके, एसजीए गलती, इंटरेस्ट एक्सपेंस गलती, ठीक है, टैक्स में भी लोचा है, झमेला है, सब चीज के साथ खेल के ये लोग ये लाया होगा 270 मिलियन ना। तो सिंस ये लाया होगा तो हम लोग को ये चाहिए कि सर पहले तो ये बताइए मेरे को कि मैनेजमेंट ने ये सब फिगर्स निकालते समय कौन सा मेथड यूज किया है, ओके, कौन सा मेथड यूज किया है, क्या एस्टिमेट यूज किया है, क्या अजम्पशन यूज किया है, मेथड एस्टिमेट्स एंड अजम्पशंस क्या यूज किया है उन्होंने, आई वॉन्ट टू नो दैट, बिकॉज विदाउट दैट दीज फिगर्स डू नॉट मीन एनीथिंग टू मी, आई नीड टू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स बाई विच दे हैव डन ऑल दिस, दे आर कॉल्ड मेथड्स एस्टिमेट्स एंड वॉट अजम्पशंस, वो सब पता चलता है फुटनोट में, कहां पे, फुटनोट में। तो फुटनोट, लुक एट द वर्ड फुटनोट, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे फुटनोट, तो फुटनोट में मैनेजर बताएगा कि हम लोग क्या क्या मेथड्स, क्या क्या एस्टिमेट्स, क्या क्या अजम्पशन यूज किए हैं, मैं उसको देखे बिना आई कॉन्ट लुक एट दिस, दिस हैज नो मीनिंग टू मी एट ऑल, ठीक है, इफ आई डोंट नो द प्रोसीजियर्स बाय विच दे हैव डन दिस, दैट्स कॉल्ड फुटनोट, व्हाट इज इट कॉल्ड, फुटनोट। तो इन दैट केस मैं गैदर डेटा करूंगा अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गैदर डेटा करूंगा अबाउट द इकोनॉमी, इज इट, आई गैदर डेटा अबाउट द इकोनॉमी, आई सेड इज इट। मैं क्या करने बैठा हूं अभी, कोई LOSF में, FR या FSA, FSA, तो फिर से मैं गैदर डेटा करूंगा अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस, मैं गैदर डेटा करूंगा अबाउट द इकोनॉमी, यस, बात तो वो FSA विल यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई FR एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन, एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन, तो यार इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का वगैरह, एक मिनट, मेरे को जानना है कंपनी का जो फैक्ट्री है वह कैसे काम करता है, कंपनी का फैक्ट्री कैसे काम, कैसे काम मतलब कितना बजे सुबह खुलता है, कितना बजे बंद होता है, एम्प्लॉय लोग का मोरल क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, मेरे को सब देखना है, मेरा प्रेशियस पैसा जाने वाला है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड PL सब फिगर्स से, मेरे को मतलब नहीं है, आई वॉन्ट टू गो फॉर प्लांट विजिट, मैं प्लांट विजिट पर जाऊंगा, वहां जाके देखूंगा, ठीक है, कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उससे मेरे को एक अलग अंडरस्टैंडिंग आता है, सपोज आई हैव सीन लॉट ऑफ फैक्ट्रीज, लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एंटरप्राइजेस, एंड आई फील, मैं देख के समझ जाता हूँ कि क्या एक्टिविटी लेवल है क्या नहीं है, आई वुड लाइक टू गो, आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर्स ओवर देयर, ठीक है। तो ये सारा का सारा टॉक करना, बात करना, जाके इन्फॉर्मेशन गैदर करना, इंडस्ट्री रिपोर्ट जनरेट करना, जाके गैदर करना, इज वॉट, गैदर डेटा। तो गैदर डेटा इज नॉट ओनली एनुअल रिपोर्ट, गैदर डेटा इज प्लांट विजिट्स, गैदर डेटा इज मैं फोन करके, एक सपोज आप कोई स्टूडेंट के साथ सपोज ऐसा हुआ, ही और शी वॉन्टेड टू ज्वाइन द CFA प्रोग्राम विद अस, एंड अपना जो फोन नंबर्स है उस पर वो फोन किया, नहीं उठाए, वापस फोन किया, नहीं उठाए, वापस फोन किया, ठीक है हम बताते हैं आपको, वापस से फोन किया, बताते हैं 6 बार 8 बार आपने फोन किया और वो बता रही है, ऐसा कंपनी का तरक्की नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है, मेरे को लगता है बिजनेस में कि यार इतना हाई फाई चीज, ये वो मैंने प्रेजेंट वैल्यू, ये सब तो बात का बात है, कॉमन सेंस तो लगाएं, फोन लेके बैठे और कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट से फोन करें, खासकर सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, देखे तो सर वो लोग का विगर कैसा है बेचने का माल, ठीक है। तो वो भी क्या हुआ, योर गैदरिंग डेटा, योर गैदरिंग डेटा, हाउ प्रॉपर्ली दे आर रिस्पॉन्डिंग, इट्स ऑल कॉमन सेंस। तो गैदरिंग डेटा में केवल PL बैलेंस शीट ये सब नहीं है, प्लांट विजिट्स, कॉल्स मेड, इंडस्ट्री डेटा, इकोनॉमी डेटा, ये सब क्या है, गैदर डेटा, गैदर डेटा, ओके। दो स्टेप हो गया, स्टेप वन था पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनालिसिस, पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या था, टाइम एंड रिसोर्सेस, टाइम एंड रिसोर्सेस, पर्पस पे क्या क्या था, व्हाट क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड एंड इन व्हाट फॉर्म, उसके बाद गैदर डेटा, गैदर कर लिए डेटा, आ गया, अब सब डेटा है, प्रोसेस डेटा, क्या प्रोसेस डेटा, पूरा ध्यान देना प्लीज,
process data. Process BCom का एग्जाम होता अगर, या फिर कोई और एग्जाम होता, तो क्वेश्चन आता व्हाट आर द स्टेप्स इन एफएसए फ्रेमवर्क. आपने 6 पॉइंट याद के रखते, चाप देते वहां जाके, हो गया. ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे यार. मैं क्यों बोल रहा इतना खोद के, क्योंकि वो परेशान कर देगा कि ये वाला किस स्टेप में आएगा. तुमने अगर टाइम स्पेंड नहीं किया आराम से, ठीक है, उसको इज्जत नहीं दिया है, तुम उसको ठीक से राइट नहीं कर पाएगा. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग इट राइट और रॉन्ग. सपोज देर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए कर चुका है और जो ये क्लासेस कर रहा है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग इनकम स्टेटमेंट, दैट स्टुपिडिटी लाफ. ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट अगर वो ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, ही डजंट स्टडी दिस एंड ही सिट्स फॉर द एग्जाम, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन कि ये कौन से स्टेप में आएगा. एंड गारंटी देर आर क्वेश्चन और रॉन्ग किया, तो उस केस में उसका जो सीए किया हुआ या क्या किया उसे कोई मतलब नहीं है. अल्टीमेटली तो तुम नहीं कर पाए ना. ठीक है, तो योर नॉलेज may help you to just speed up to do it fast, but you need to respect the stuff which is given over there. It is new stuff, you can leverage on this. Purpose, kya tha third? Process. Process data ka matlab sir, suna, ye company jo accounting standards follow ki hai na, accounting standard plural tha ki plural, wane, singular tha ki plural, plural, aur har cheez mein latitude tha. Sir, ye to ye wala method lagai hai, ye wala method. Char method allowed tha, ye log to ye wala method use ki hai, okay. जो पीयर कंपनीज है, क्या कंपनीज, पीयर, दूसरे कंपनीज सिमिलर, मैं तो सोच रहा हूँ इसमें लगाऊं कि इसमें लगाऊं कि इसमें लगाऊं, सब वो लोग तो दूसरा मेथड यूज़ किए, कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं. ये लोग ये मेथड यूज़ किया, ये लोग ये मेथड की यूज़ किया, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं किस पे लगाए. एक काम करते हैं, इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट कर देते हैं. एडजस्ट मतलब शायद ये लोग दूसरा मेथड यूज करता तो ये लोग का COGS आता, COGS आता 320. क्या आता? 320. मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. COGS को एडजस्ट करने का एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लीफो, ये लोग बोलते हैं फाइफो लाइफो व्हाटएवर. ठीक है ना, फीफो लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अज्यूम करता है जो शुरू का माल था वो बिका है और बचा हुआ लास्ट का है. लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये अज्यूम करता है जो लास्ट का माल था वो बिका है और बचा हुआ क्या है, शुरू का है. दैट्स अ मेजर डिफरेंस, बिकॉज पूरे साल भर हम लोग माल अलग अलग रेट पे खरीदे थे, पूरे साल भर रॉ मटेरियल हम लोग अलग अलग रेट पे खरीदे थे. तो अगर मान रहे हैं पूरे साल भर इन्फ्लेशन हुआ है, क्या हुआ है, इन्फ्लेशन, तो कौन से मेथड में प्रॉफिट ज्यादा आएगा, फीफो या लीफो? पूरे साल भर इन्फ्लेशन हुआ है, ओके, रॉ मटेरियल बाई किया ना, रॉ मटेरियल का दाम बढ़ते गया है, तो कौन से मेथड में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में? सोच के बोलो वरना मत बोलो, बेटर है ना. ठीक है, होता है ना, नहीं समझ में आ रहा, चुप. ठीक है, बोलना है तो सोच के बोलो. ठीक है, कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कौन सा माल बेचा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बोल रहा है, पहला वाला बेचा. ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट बोल रहा है, लास्ट वाला बेचा. और मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल का दाम बढ़ते रहा है पूरे साल में, तो प्रॉफिट तो उसमें ज़्यादा आएगा जिसपे COGS कम आएगा, प्रॉफिट उस पर ज़्यादा आएगा जिसपे COGS कम आएगा. और अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो शुरू का माल सस्ता था, शुरू का माल सस्ता था, यानी क्या, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में आप मानोगे जो शुरू में परचेस किए थे वो बेचे हैं, तो उसका कमती कॉस्ट दिखाओगे तो प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा. ठीक है, तो प्रॉफिट विल डिपेंड अपॉन योर इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो अजम्पशन. इसको बोलते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो, इन्वेंट्री कॉस्ट फ्लो. लुक एट द वर्ड इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, कॉस्ट फ्लो, इन्वेंट्री का कॉस्ट पूरे साल भर कैसे फ्लो करता है उसका अजम्पशन, फीफो और लीफो, फीफो और लीफो. ठीक है ना, तो इन दैट केस सर, ये जो कंपनी है ये तो फीफो फॉलो की है, ये कंपनी फीफो फॉलो किया है, 300 मिलियन दिखा रहा है, बाकी सारा कंपनी लीफो फॉलो किया है. चले काम करते हैं, इसको भी लीफो लगाए थे, ये अगर लीफो करता तो उसका COGS क्या होता, ओ 320 होता, चल 320 कर दे. आई एम एडजस्टिंग. तो आई एम एडजस्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टू मेन रीजंस. आई विल एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टू मेन रीजंस. नंबर वन, बिकॉज आई बिलीव दैट दिस कंपनी हैज डन अ रॉन्ग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हो सकता है वो जो अकाउंटिंग की है उसको वो वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगाना चाहिए था, वो जानबूझ के लगाए, तो मैं वहां पे करेक्ट वाला स्टैंडर्ड लगवाऊंगा, चेंज करूंगा. दूसरा, हो सकता है उसने करेक्ट लगाया होगा, बट आई एम नॉट एबल टू कंपेयर. तो कंपेरिजन पर्पज के लिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, किसके लिए, कंपेरिजन पर्पज के लिए एडजस्ट कर रहा हूँ. वो जो कंपेरिजन पर्पज के लिए कर रहा हूँ वो भी चलेगा. स्टेप थ्री चल रहा था, नाम क्या है, प्रोसेस. तो प्रोसेस के अंदर सर, यू विल हैव टू एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टू थिंग्स. नंबर वन, फॉर द फैक्ट दैट दे हैव नॉट अकाउंटेड फॉर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेक्टली. यू बिलीव दे शुड हैव अकाउंटेड इन अ डिफरेंट मैनर.
ठीक है। तो नंबर टू फॉर कंपैरिजन, फॉर कंपैरिजन विद पीयर फर्म्स। उसके अलावा हैव अ लुक, यहीं पे देखना, दूसरा कंपनी है कंपेरेबल फर्म जिसका सेल्स 50,000 मिलियन है, जिसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,000 मिलियन है, एंड सो ऑन। मैं लिख सकता हूं लास्ट तक, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, आई वॉज ट्राइंग टू शो द साइज। दूसरे वाली कंपनी का साइज इज लाइक वॉट, कंपेयर ही नहीं हो। इसका सेल्स केवल 800, इसका 50,000, तो इसका मतलब क्या ये है क्या सेकेंड कंपनी का शेयर बाई करना चाहिए? इसका 800 है केवल, उसका 50,000 है, डज इट मीन दैट वी शुड बाय द सेकेंड कंपनी का शेयर? दिस विल बी स्टुपिडिटी का हाइट्स, ठीक है। बिकॉज वो बड़ा कंपनी है तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है, तो पर शेयर क्या इफेक्ट आएगा तो बात कब आते है? तो हाउ कैन यू जस्ट गो फॉर एब्सोल्यूट फिगर्स, ठीक है। तो यू विल हैव टू परहैप्स डू परसेंटेज, क्या परसेंटेज? एक काम करते, इसको 100 मान लेते, इसको भी 100, सेल्स को 100 मान लेते, क्या मान लेते हैं 100। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फर्स्ट कंपनी में है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो फर्स्ट कंपनी में है, दैट इज 300/800। व्हाट परसेंटेज? 300/800 इज व्हाट? 37.5%। 300/800 इज 37.5%। तो आई विल शो COGS as 37.5। तो व्हाट इज द GP? 62.5, ठीक है। दो हाँ, एस जी ए 100/800 12.5, क्या है 12.5। वॉट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 50। आई यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग? आई एम एक्सप्रेसिंग द एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स। पूरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट को 100 रुपया के हिसाब से दिखा रहे हैं, सेल्स को 100 मान लेते हैं। परसेंट, परसेंटेज व्हाट? पर 100। और इस वाले को भी, अब जब दोनों को 100 रुपया के हिसाब से दिखा देंगे, आर दे कंपेरेबल? यस, दैट्स कॉल्ड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यू आर ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू अ कॉमन साइज बाय मेकिंग देम एज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट? सेल्स। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मैं करूंगा प्रोसेस स्टेज पे, आई विल कन्वर्ट देम इनटू कॉमन साइज 100 रुपये के हिसाब से, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स I will compute ratios. What? Ratios. So in that case, sir, the net profit 270 is what percent of 800? 270 is what percent of 800? 33.7%. This is called net profit margin. 33.7% is called net profit margin. Matlab net profit sales ka kya percentage hai? नेट प्रॉफिट सेल्स का क्या परसेंटेज है? दैट्स कॉल्ड नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ओके, दूसरे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सर 31% है। क्या परसेंट है? 31। इसका 33.7% है। सेट्रिस पेरिबस दिस फर्म इज मोर प्रॉफिटेबल, सेट्रिस पेरिबस दिस फर्म इज मोर प्रॉफिटेबल। रेशियोज आर कंपेरेबल, रेशियोज आर कंपेरेबल, एब्सोल्यूट फिगर्स आर नॉट। If I tell you that a company has earned 500 crore this year, should we jump on the bench? No. Kya pata? Listen to the full story. 500 crore wo kamaya, kitna laga ke? 5000 crore laga ke 500 crore kamaya. To 5000 crore laga ke 500 crore kamaya, to 10% hi kamaya na, kaun sa teer maar liya? To ye jo nikale 500/5000, 10%, it is called return on capital employed. It is called return on capital employed. अब पता चला ना 10%, नाउ आई कैन कंपेयर। तो रेशियोज का पर्पस क्या है? रेशियोज का पर्पस है आपको कंपैरिजन में हेल्प करना, बिकॉज रेशियो इज एक्स बाय वाई। ओके, व्हेन यू गेट अ रेशियो यू आर एबल टू कंपेयर। रेशियो करेंगे सर, चार्ट्स बनाएंगे, चार्ट्स, पाई चार्ट, ओके, डायग्राम बनाएंगे कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, कितना कितना क्या चेंज हुआ है वगैरह, रिपोर्ट्स बनाएंगे, वो सारा का सारा हो गया प्रोसेसिंग स्टेज। व्हाट स्टेज? प्रोसेसिंग स्टेज। फर्स्ट स्टेप purpose and context, second gather data, third process data में adjust common size ratio chobi diagrams, okay, you have to make pictures and all, ठीक है। तो वो सारा part हो गया किसका? ये process, process के बाद सारा ratio, सारा diagram, सारा common size आया हुआ है। Analyze and interpret. If there are certain formulas of ratio,
this by this, this ratio, this by this, this ratio. So in that case, a simple software program can be fed. वो software program को केवल तुम दे दो PL account balance sheet, वो तुरंत दाएं 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 ratio निकाल देगा, है ना? कोई बातें नहीं है, ठीक है? जो अपने से Indian examination में दाएं 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 निकलवाते हैं कि तुम निकाल, ठीक है? तो बट दिमाग तो चाहिए उसको एनालाइज करने में ना, कि वो जो निकल गया उसका एनालिसिस एंड उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस एंड उसका इंटरप्रिटेशन, कि उसका इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है? तो उसको एनालाइज करो, इंटरप्रेट करो, उस आंसर्स पे पहुंचो जो तुम सोचा था आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर वन में, विच वॉज वॉट पर्पस. एक पर्पस से स्टार्ट किया था ना, तो उन क्वेश्चन का आंसर सोचो क्या है. सोचो, अभी जवाब देना नहीं है, सोचो वहां पे, ठीक है? एनालाइज एंड इंटरप्रेट. ओके सर, इंटरप्रेट कर लिए, हो गया सारा खत्म. कम्युनिकेट, क्या कम्युनिकेट इन द फॉर्मेट डिसाइडेड इन द पर्पस स्टेज. याद है पर्पस का मतलब क्या था? व्हाट क्वेश्चंस हैव टू बी आंसर्ड एंड इन व्हाट फॉर्म. कम्युनिकेट, तो ब्रिंग योर रिसर्च रिपोर्ट, कम्युनिकेट. कम्युनिकेट में वी मूव ऑन टू द अनदर पार्ट ऑफ CFA curriculum, which is the most important, which is called ethics. Kya? Ethics. Okay. A parent came to me day before yesterday for CFA 11 ka admission ke, and this parent, the father, he shared with me ki he has recently gone to ISB or ISB mein ek executive MBA program ya jo bhi hota hai wo kiye, aur uspe he was sharing that उसमें वी हैव टू सबमिट रिपोर्ट एवरी 2 weeks, और जब रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो एज सून एज वी सबमिट अ रिपोर्ट, अगर उस रिपोर्ट सबमिशन में हमने कहीं से भी कॉपी किया है ना, कहीं से भी कॉपी किया है, तो वो सॉफ्टवेयर तुरंत क्या करेगा, कॉपीड वाला पोर्शन को हाईलाइट कर देगा कि तेरा कॉपीड 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 कॉपीड. फिर टोटल में से कितना कॉपीड उसका परसेंटेज आ जाएगा वहां पे 82% फ्लैश रेड. ओके, वी टॉक अबाउट प्लेगियरिज्म, वी टॉक अबाउट प्लेगियरिज्म, ठीक है? तो कि मतलब किसी और का मटेरियल जो है वो खुद कॉपी करके रिपोर्ट बना देना. तो इन दैट केस जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट, यू कांट प्लेगियराइज, यू कांट प्लेगियराइज, ठीक है? तो ऑल्सो उसका एक सर्टन फॉर्मेट, माने फॉर्मेट नहीं, उसका एक सर्टन डिस्क्लोजर होता है कि जैसे तुम बोल रहे हो, सपोज सुनना, तीन सिनेरियोज मेरे पास, माने मेरे को जो लग रहा था ना, या तो इंडिया में GDP ग्रोथ रेट 8% से ऊपर होगा, या 6-8 होगा, या 6 से नीचे होगा. उन तीन सिनेरियोज में मैंने कंपनी का वैल्यूएशन किया, कंपनी का वैल्यूएशन करने के बाद, तीन सिनेरियोज में मैंने क्या किया, जो लास्ट दो सिनेरियो है ना, 6 से 8 और कौन सा लेस देन 6, वो हटा दिया, केवल मोर देन 8% वाला रखा, ठीक है? तो और उसके हिसाब से रिपोर्ट बना दिया. Now this is incomplete. If you had 3 scenarios, how can you, सब बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता, मैंने पेजेस बहुत ज़्यादा लग जाता, तो मैंने फालतू में लोग पढ़ते ना, मैंने ऐसा वाला बात हो रहा ना कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा यार, मतलब लोग का माथा खराब हो जाएगा, इससे बड़े कमती पढ़ा दे, कम से कम खुश तो रहेंगे क्लास में. पास फेल का बात अलग है, पास फेल का ही तो बात है सारा. तो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, उसका स्टॉक में उसको फायदा होगा नहीं घाटा, उसका तो बात है, उसको 4 लाइन पेज और पढ़ना पड़ेगा, दैट्स नॉट द पॉइंट, माने लूजिंग द एंटायर थिंग. तो उसको बोलते हैं आपने नॉन एथिकली बिहेव किया है, नॉन एथिकली बिकॉज आपने एज अ प्रोफेशनल बिहेव नहीं किया है, यू डिड नॉट शो ऑल द सिनेरियोस, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस नाम का एथिक्स का एक स्टैंडर्ड्स है. इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन कैसे किया जाता है उसका स्टैंडर्ड है, वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने को कम्युनिकेट करना है. क्या करना है? कम्युनिकेट, कम्युनिकेट. लास्ट वाला, अपडेट योर सेल्फ एंड रिव्यू, अपडेट योर सेल्फ एंड रिव्यू, बिकॉज कैन द कंडीशंस ऑफ द कंपनी चेंज? यस, सो यू नीड टू बी अपडेटेड, यू नीड टू प्रॉपरली रिव्यू एंड देन अपडेट योर एनालिसिस. कितना स्टेप था? फर्स्ट वाला पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट, पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट. दूसरा गैदर डेटा, तीसरा प्रोसेस, चौथा एनालाइज एंड इंटरप्रेट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट, फिर कम्युनिकेट योर रिजल्ट्स, ठीक है? तो उसके बाद अपडेट, रिव्यू एंड अपडेट, रिव्यू एंड अपडेट. हाउ मेनी स्टेप्स? 6 स्टेप्स. लिख लो प्लीज. स्टेप 1, एक मिनट, यहां पे टाइम बचाते हैं अपने.
इंस्टेंट ये सारा लिखने के बजाय अपने एक्स्ट्रा स्टफ लिखेंगे और एक बार इस पेज में आ जाओ बिकॉज वी नीड टू सेव टाइम सम वे वेट टू बी लॉजिकली सेव्ड. यू कम टू दिस पेज वंस, जस्ट वंस अगेन. पेज नंबर 9 देखना, पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 में आंसर नंबर 24 दिख रहे हैं. पेज नंबर 9 में आंसर नंबर 24 दिख रहे हैं. तो आंसर नंबर 24 में दे हैव रिटन द आंसर वेरी इलैबोरेटली और आपको सारा का सारा अपना वो दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं हम, स्टेप्स. पहला क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट, एक ही बात, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस आर सिनोनिम्स ना. दूसरा क्या है, गैदर डेटा. तीसरा क्या है, प्रोसेस डेटा. चौथा क्या है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट. पांचवा, रिपोर्ट द कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस, मैंने कम्युनिकेट बोला था. और लास्ट वाला, अपडेट द एनालिसिस. ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो लिख रहे थे लिख दो, रेफर. ओके, स्टेप 1 टू स्टेप 6, अगर आपने स्टेप वर्ड लिख दिया है काटने के बजाय, स्टेप 1 टू स्टेप 6, स्टेप 1 टू स्टेप 6 - रेफर पेज नंबर 9 आंसर नंबर 24. रेफर पेज नंबर 9 आंसर नंबर 24. रेफर पेज नंबर 9 आंसर नंबर 24. ठीक है, बिकॉज परफेक्ट लिखा हुआ है और टाइम भी बहुत स्पेंड कर दिया अपने. पेज 9 आंसर नंबर 24. ठीक है, तो ओके, अब क्वेश्चंस देखिए राइट होता है क्या. पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11. रेशियोज आर एन इनपुट इनटू व्हिच स्टेप इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क. एनालाइज. रेशियोज आर एन इनपुट बोला है. रेशियोज आर द आउटपुट ऑफ द प्रोसेसिंग स्टेज. प्रोसेसिंग स्टेज में रेशियोज निकालते, एकदम सही है. प्रोसेसिंग स्टेज में रेशियोज निकालते हैं तो प्रोसेसिंग स्टेज का रेशियो क्या हो गया, आउटपुट. फिर वो काम कहां पे आता है, एनालाइज में. तो एनालाइज स्टेज के लिए क्या है, इनपुट. प्रोसेस स्टेज पे आप रेशियोज कंप्यूट किए तो वो तो रेशियोज प्रोसेस स्टेज का क्या हो गया, आउटपुट. और एनालिसिस स्टेज में क्या यूज हो रहा है, इनपुट. ठीक है, तो रेशियोज आर एन इनपुट इन टू विच स्टेप ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फ्रेमवर्क. आंसर इज वॉट, सी. Analyze and interpret the process data. They are used in that step. Okay? They are not calculated in that step. They are used in that step, calculated in the previous step. So, wo smartly just corner kar raha tha input. Input ko circle kar sakte hain. Aur agar ratios are an output bolega, to answer hoga process data. Number 11. Which of these steps is least likely to be? Which of these steps is least likely to be a part of FSA framework? Pehla, state the purpose and context. Ye to first step hai. Dusra, determine whether the company's securities are suitable for the client. Aisa koi step nahi tha. Ab tum ye bologe na, sir, par aap hi ne to bola FSA, LOS A jo chal raha tha na. LOS A kya tha? FSA ya FSA framework? FSA में आपने बोला था, सर हम लोग क्लाइंट के लिए पता लगाते हैं कि स्टॉक अच्छा है कि खराब है, नहीं वो अलग है. ये FSA फ्रेमवर्क का स्टेप पूछ रहे, ये FSA फ्रेमवर्क का स्टेप्स पूछ रहे, ये FSA का पर्पस क्या है वो नहीं पूछ रहे. ठीक है, सी. एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेटा एंड कंपेयर द कंपनी टू इट्स पीयर्स. ये कौन सा स्टेप था, प्रोसेस. तो ए और सी स्टेप्स है, बी स्टेप नहीं है. ठीक है, बी स्टेप नहीं है. कंफ्यूजिंग रहेगा बिकॉज वन सोचेगा यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में तो क्लाइंट को एडवाइस करते हैं, बट दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पर्पस, नॉट उसका स्टेप्स का फ्रेमवर्क. ठीक है ना, आंसर इज बी. नेक्स्ट, पेज नंबर 7. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 25. पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is least likely a step in FSA framework? कौन सा step नहीं है, forecasting data. फिर से कोई सोचेगा, साहब आप ही तो बोल रहे थे कि साहब past को study करके फिर forecast किया जाता है. Of course हम बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे, LOS A में, कि FSA क्या करता है. ये steps in the FSA framework पूछा है. तो processing data was step 3, interpreting, analyze and interpret was what, step 4. 26. The step in the FSA framework of processing the data
इज लीस्ट लाइकली टू इंक्लूड विच एक्टिविटी, प्रोसेसिंग में क्या चीज नहीं करते हैं? अक्वायरिंग द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अक्वायरिंग तो क्या हो गया, गैदर. अक्वायरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गैदर है, ये रॉन्ग है. दिस इज द आंसर. बी क्या है, मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. याद है एडजस्टमेंट क्यों क्यों करते हैं? नंबर वन तो कंपैरिजन, और नंबर टू सही करने के लिए, ठीक है. और प्रिपेयरिंग एग्जिबिट सच एज ग्राफ, छोबी, ठीक है, रेशियोज. तो आंसर इज ए. 27. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन लीस्ट लाइकली रिक्वायर्स द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, यहां पे एफएसए फ्रेमवर्क नहीं बोला है, एफएसए फ्रेमवर्क नहीं बोला है. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस, डिसीजंस माने आज जहां क्लास चालू हुआ, इकोनॉमिक डिसीजंस, इकोनॉमिक था ना वो, इकोनॉमिक डिसीजंस. तो बोले बताओ कौन सा डिसीजन के लिए एफएसए नहीं चाहिए. ये एफएसए फ्रेमवर्क का क्वेश्चन नहीं है, एलओएसए का क्वेश्चन है. कौन सा डिसीजन के लिए एफएसए नहीं चाहिए? एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ अ नॉन करंट एसेट. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अ नॉन करंट एसेट? नॉन करंट एसेट प्लांट एंड मशीनरी. तो एक प्लांट एंड मशीनरी, एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट. उस एयरक्राफ्ट तीन साल यूज हो गया. कोई तुमको उसके सामने खड़ा कर रहा है और बोल रहा है बताना ये कितना साल चलेगा, ठीक है. तो कितना साल चलेगा? तो भाई प्रॉब्लम ये है कि आपने तो ऑब्वियसली स्पेशलाइज थोड़ी किए, एरो इंजीनियरिंग या डायनेमिक्स थोड़ी अपने को आता है. पर जिसको आता है, अरे जो एयरक्राफ्ट में स्पेशलाइज करता है, वो तो उसको स्टडी करके, रिसर्च करके, देख के, चेक करके वगैरह कुछ एस्टिमेट देगा ना. उसके लिए क्या वो एयरबस का पीएल अकाउंट देखेगा? नहीं ना. माने एयरबस का पीएल अकाउंट से थोड़ी पता चल जाएगा एयरक्राफ्ट कितने साल चलेगा. एफएसए से एयरक्राफ्ट का लाइफ कैसे पता चल जाएगा? इम्पॉसिबल है. ये तो आपके कॉमन सेंस, आपके इंजीनियरिंग नॉलेज से पता चलेगा, ठीक है. तो ए हैज टू बी द आंसर. एफएसए कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट द लाइफ ऑफ अ नॉन करेंट एसेट. थिंक अबाउट कॉमन सेंस, ठीक है ना. बी, यानी कि एफएसए कैन बी यूज्ड फॉर बी एंड सी. असाइनिंग अ डेट रेटिंग टू अ कंपनी और बॉन्ड. एक कंपनी को रेटिंग ट्रिपल ए मिलना चाहिए कि डबल ए या ए, वो तो डिपेंड करता है वो कंपनी का फ्यूचर में रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है. एक कंपनी फ्यूचर में डेट चुका पाएगा क्या, तो वो डिपेंड करता है वो कंपनी आज कितना डेट पे बैठा है. अगर आज डेट बहुत ज्यादा है तो क्या पता सर नहीं चुका पाएगा. आज अगर डेट कमती है तो क्या पता चुका पाएगा. क्या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है क्या, तो सर चुका पाएगा. नहीं अच्छा चल रहा है तो नहीं चुका पाएगा. अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स, यही तो एफएससी करता है. एफएससी यही तो करता है. वो अभी का डेट देखता है, पास्ट का पैटर्न देखता है, विलिंगनेस देखता है, कैरेक्टर देखता है, इकोनॉमी देखता है, कंडीशंस देखता है, कंपनी का डेट पेइंग एबिलिटी. उसी से तो क्रेडिट रेटिंग निकलता है, ठीक है. तो ऑल्दो मैंने क्रेडिट रेटिंग एग्जैक्टली यूज नहीं किया था, बट वी डिड डिस्कस ना वेदर टू बाय अ बॉन्ड अ नॉट. तो व्हेन बाइंग अ बॉन्ड ऑफ अ कंपनी, वोंट यू थिंक अबाउट द फैक्ट दैट यार कंपनी पैसा मार गया, तो उसके लिए तो एफएसए काम आता है, रेटिंग के लिए, ठीक है. कितने सारे सीएफए स्टूडेंट्स हैं जिनको, जो लोग किसी कारण से दे डोंट मूव आउट ऑफ कैलकटा, दे वॉन्ट टू स्टे इन कैलकटा फ्रेशर, दे गेट जॉब, फर्स्ट जॉब एज अ रेटिंग एनालिस्ट इन क्रिसल, इकरा, केयर वगैरह. माने रेटिंग एनालिस्ट्स आर एब्जॉर्बिंग सीएफए पीपल वेरी रेडिली. ओके, दे वांट दैट टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है. तो ऑल्दो बहुत हाई फाई जॉब नहीं है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू, क्योंकि रेटिंग में जो जो करते हैं वो अपने को पूरा बढ़िया सिखाया जाता है तीनों लेवल में, ठीक है. तो रेटिंग के अंदर बट प्रॉब्लम क्या है, वो लोग का सब टेम्पलेट बना रहता है और केवल टेम्पलेट में डालना है, आंसर निकालना, तो वो एक दो महीने बाद जॉब बहुत बोरिंग लगता है. असाइनिंग अ डेट रेटिंग टू अ कंपनी और बॉन्ड इश्यू. सी, एक्सटेंडिंग क्रेडिट टू अ कस्टमर, बोला ही था, ठीक है. मैं सप्लायर हूं, माल सप्लाई करता हूं, क्या मेरे को उस कंपनी को माल सप्लाई करना चाहिए? यस, अगर वो कंपनी लिक्विड है. क्या है? लिक्विडिटी गुड है. नो, अगर वो कंपनी इलिक्विड है. तो लिक्विडिटी एसेस कर सकते हैं ना एफएसए से. करंट रेशियो, ये सब सुना है ना प्लस टू में, करंट रेशियो, सी ए बाई सी एल, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये सब से एसेस करते हैं, ठीक है. तो बी एंड सी कैन बी यूज, ए के नॉट. यू कैन मार्क 27 एज इंपॉर्टेंट. You can mark 27 as important. So I hope you are in complete command of LOS A and LOS F. ठीक है ना, कि यहां से एकदम ठीक है, क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है. एंड आई ऑल्सो होप दैट मैंने LOS F डिक्टेट नहीं किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. लिखा हुआ था, ठीक से लिखा हुआ था, कोई सेंस नहीं होता डिक्टेट करके, ठीक है ना. ओके,
अब एलओएस बी, एलओएस बी, बी फॉर बॉम्बे, एलओएस बी लैंग्वेज रीड कर रहा हूं एलओएस का. डिस्क्राइब द रोल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. फाइनेंशियल पोजिशन, व्हाट्स योर फाइनेंशियल पोजिशन, व्हाट डू यू ओन एसेट्स, व्हाट डू यू ओ लायबिलिटी, व्हाट इज योर नेटवर्थ इक्विटी. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट. कंपनी का बैलेंस शीट, एसेट्स लायबिलिटीज इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम. तो कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड तो नया होगा, अनलेस अंटिल किसने पहले सुना है. अदरवाइज गिवन योर अकाउंटिंग बैकग्राउंड इवन प्लस टू का एंड ऑल दैट, यू डोंट नो व्हाट कॉम्प्रीहेंसिव इनकम इज. वी डाइल्यूट द लैंग्वेज स्टेटमेंट ऑफ इनकम. क्या, डोंट कट द लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंसिव काटना मत. मैं बोल रहा हूँ एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम मतलब इनकम स्टेटमेंट का बात हो रहा है. किसका बात हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट. पर उसमें कुछ कॉम्प्रीहेंसिव नया चीज है, देखेंगे, ठीक है ना. स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इक्विटी माने नेटवर्थ, इक्विटी माने नेटवर्थ. हैव अ लुक. ए इक्वल टू एल प्लस ई, प्लीज रीड दिस आउट. एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी. इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस, इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस, थिंक अबाउट इट. इफ यू जस्ट स्टार्ट अ बिजनेस, यू ब्रिंग सम फंड्स, ठीक है, दैट आर नॉट सफिशियंट. यू बोरो सम फंड्स, you bring some funds, own funds equity, you borrow some funds which is liability, and the entire thing is invested in what, assets, okay, and you start your business. Now the purpose of the assets, the purpose of the assets is to result in revenue, is to result in revenue, isn't it. Assets, plant and machinery kyon liye, this was say maal banaye aur maal bana ke beche aur revenue aaye. Revenue mane sales. The only purpose of assets is to generate what? Revenue, sales. ठीक है. तो but assets buy किए थे वो अलग बात था, पर जब उससे assets से production चालू किए तो भी खर्चा लग रहा है. Labor का खर्चा, raw material खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह. तो वो सारा खर्चा लग रहा है, वो क्या है? Expense. वो क्या है? Expense. ठीक है. There is something called cost. क्या? Cost. Cost is not synonymous to expense. Cost is not synonymous to expense. हर चीज जो लग रहा है वो expense नहीं है. हो सकता है जो cost, जो खर्चा लग रहा है, उसका benefit company को 10 साल तक होगा. कितने साल तक? 10 साल तक. तो इतना गलत चीज होगा कि इस साल का profit निकालने में उसको मान ले कि इस सारा खर्चा है, इसका benefit तो company को 10 साल तक होने वाला है, तो ये खर्चे को मैं केवल इस साल कैसे लेस कर दूं? तो गलत हो जाएगा. मेरे को तो इसका perhaps 1/10 लेस करना चाहिए ना. क्या लेस करना चाहिए? 1/10, जस्ट मैंने बोला, बिकॉज 10 साल तक इसका बेनिफिट है, बाकी 1/10 आने वाले 9 साल में होगा. ठीक है. तो कॉस्ट इज नॉट सिनोनिमस टू एक्सपेंस. यहां पे आता है एक दूसरा डायलॉग. आज रेवेन्यू का एक डायलॉग था जो लिखाया नहीं, बिकॉज देखो आने वाला चीज. रेवेन्यू इज रिकग्नाइज ओनली वेन इट इज अर्नड. रेवेन्यू इज रिकग्नाइज ओनली वेन इट इज अर्नड. एक्सपेंस इज रिकग्नाइज ओनली वेन इट इज इनकर्ड. ओनली वेन इट इज इनकर्ड. Now this is once again a heavy language. Expense is recognized. क्या पता किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा recognized का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं. Recognized का मतलब बोलना चाह रहे हैं इस साल का जो profit निकालेंगे ना, तो profit क्या होगा? Revenue minus expense. तो वो revenue कौन सा आप मानेंगे? वो जो मानेंगे वो recognized है. और खर्चा कौन सा मानेंगे? वो जो मानेंगे वो क्या है? Recognized है. तो expense तब recognize करेंगे if it is incurred. If it is incurred. ठीक है. Expense is incurred, expense is said to be incurred on the basis of matching principle. What principle? Matching principle. Matching principle. Matching principle. Look at the word. It says that agar aapne revenue kuch maan liya, agar aapne revenue kuch maan liya, to us revenue se connected jo bhi kharcha hai usko wahi maanna padega. Agar revenue tumne is saal ka maan liya na, ye jo maal becha na is party ko, ye is saal ka hum revenue maan raha hai, theek hai, maan le. तो फिर इस पार्टी से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो इसी साल का एक्सपेंस माना जाएगा. पर सर हम लोग तो वो खर्चा अभी तक किए नहीं है. मैंने सप्लायर से माल मंगाया था, इसको बेच दिया, रेवेन्यू मान लिया, पर सप्लायर को पैसा नहीं दिया. डजंट मैटर, पेमेंट का बात कौन कर रहा है? तुमने रेवेन्यू मान लिया तो एक्सपेंस तुमको यहीं का मानना पड़ेगा. ठीक है. और सर ये भी तो होगा कि इनमें से बहुत सारे लोग
को वारंटी में बेचा है, किस पे? वारंटी में बेचा है, वारंटी सब जन जानते हैं, वारंटी में माल बेचा है। तो इन दैट केस अगर मेरे को 1000 जन को बेचा है, उस 1000 में से 2, 5, 10 तो आएंगे ही ना ठीक कराने। कब आएंगे? तुरंत या देरी से? देरी से, नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो वारंटी का खर्चा कंपनी का इस साल लगेगा कि नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर। तो इसका मतलब वो खर्चा तो उस समय एक्सपेंस बनेगा, वो तो गलत चीज़ है। जब तुमने इंजॉय इस साल कर लिया तो एक्सपेंस भी इसी साल आना चाहिए। बट इस साल कैसे आए ऐसा हम लोग को थोड़ी पता, 1000 में से 10 लोग आएंगे या 5 लोग आएंगे। क्यों? तुम नया नया धंधा कर रहे हैं क्या? देखो तो पता ही है कैसा बनाता है, ठीक है? तो कुछ एस्टिमेट तो होगा पुराने से, तो वो एस्टिमेट के बेसिस पे एस्टिमेट करो और वारंटी एक्सपेंस का एस्टिमेट मार के इसी बार का एक्सपेंस मानो। और उतना नहीं हुआ तो वो सब एडजस्ट कर लेंगे बाद में, तो मार तो सारी एक्सपेंस, ठीक है? बट ये एस्टिमेट कौन करेगा? मैनेजमेंट। कौन करेगा? मैनेजमेंट, ठीक है? मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज्यादा दिखाने का मन है। वी बिलीव आवर प्रोडक्ट्स हैव इंप्रूव्ड इन क्वालिटी ऑफ लेट, ओके? द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज अफर्म्ड एंड देयरफॉर वी बिलीव दैट वारंटी एक्सपेंस विल नॉट हैपन एट ऑल, ओ ठीक है? सो देयरफॉर नो वारंटी एक्सपेंस दिस टाइम, प्रॉफिट्स हायर, बोनस हायर, ठीक है? यू प्ले विथ इट, एस्टिमेट तो तुमको ही करना है, ठीक है? तो वो एस्टिमेट कैसे किया उसका मेरे को फुटनोट में चाहिए। एनालिस्ट बोल रहा है फुटनोट में तो लिखिए चीज, और तेरा पुराना भी तो है ना, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का हम ट्रेंड देखेंगे उसका कि पहले एस्टिमेट ठीक करता था, इस बार गुल, ठीक है? तो वील एस्टिमेट दैट, ठीक है? दैट इज FSA, वो ट्रेंड देखना, एनालाइज करना, देखना एस्टिमेट क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है? तो मैचिंग प्रिंसिपल मतलब जो भी रेवेन्यू दिखाए, जो भी रेवेन्यू, उस रेवेन्यू का एक एक खर्चा उसी साल के एक्सपेंस में आना चाहिए। दैट्स कॉल्ड मैचिंग प्रिंसिपल। द डायलॉग वॉज एक्सपेंस इज रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज व्हाट? इनकर्ड, ओके? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज व्हाट? प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज व्हाट? प्रॉफिट। अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज व्हाट? डिविडेंड। A part of the profit is distributed as dividend according to the discretion of the board of directors. जो board of directors को लगता है company के growth के लिए कितना पैसा नहीं देना चाहिए, plow back करना चाहिए, वो लोग plow back करेंगे और बाकी का they will pay as dividend to shareholders. ठीक है? तो the other part is reinvested in the business. Reinvested in the business. Let's call it retained earning. What earning? Retained earning. But retained earning is whose money? Shareholders. So retained earning is also a part of equity. तो equity दो चीज है, number one जो आपने पैसा लाया था business चलाने के लिए, और number two जो इस साल कमाए पर इसको घर नहीं ले गए, वापस से business पे लगा दिए, that is also equity, ठीक है? तो और ये equity once again goes to feed what? Assets. This पैसा once again goes to buy additional assets resulting in what? Growth. Resulting in growth. ये जो अपने प्रॉफिट अर्न किए, ये जो अपने प्रॉफिट अर्न किए, दिस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट्स निकाल लिए, दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इट? रिटर्न इन्वेस्टमेंट। व्हाट प्रॉफिट आई अर्नड एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट, दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लास्ट वर्ड क्या है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में? इन्वेस्टमेंट। हु हैड इन्वेस्टेड? लायबिलिटी एंड इक्विटी बोथ, बोथ हैड इन्वेस्टेड, बोथ हैड इन्वेस्टेड, बोथ हैड इन्वेस्टेड। The liability guy who provided the loan, he wants some interest. He wants some interest. We call it cost of debt. We call it cost of debt. The company has to pay him interest. It's a cost for the company. The equity guy, in fact, requires a higher rate of return because he took higher risk. He took higher. We call it cost of equity. We call it cost of equity. And the weighted average of these two is called cost of capital. It's called cost of capital. कुछ पैसे पे ये रेट लगेगा, कुछ पैसे पे ये रेट लगेगा, सो ऑन द होल एवरेज रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कॉस्ट, कैपिटल का कॉस्ट। ये आया था ROA। इज ROI ग्रेटर देन KC? इज ROI ग्रेटर देन KC? इफ येस द मैनेजमेंट इज रनिंग द कंपनी नाइसली, इफ नो द मैनेजमेंट इज डिस्ट्रॉइंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है? तो वी नीड टू मेजर दैट सक्सेस ना, तो सक्सेस इज मेजर्ड वाया दिस, ठीक है? Whether the return earned by the company is greater than the cost of capital, the money, okay, that people had invested, they want some return. Did you earn more than that? If you didn't earn more than that, then what was the sense? They could have invested elsewhere, no? Opportunity cost. ठीक है? तो this is what we are trying to analyze. ये पूरा का पूरा अपने financial statement accounting से analyze करना चाह रहे हैं, और इसके लिए हम लोग को एक तो balance sheet दिखाना पड़ता है कि भाई balance sheet बता ना AL और E कितना है,
उसके अलावा अपने को इनकम स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है कि ये वाला पार्ट दिखाना कितना है इनकम स्टेटमेंट, उसके अलावा ये वाले पार्ट के साथ तो खेलो इंडिया खेलो है, रेवेन्यू और एक्सपेंस के साथ तो इस पर विश्वास नहीं आता है। विश्वास नहीं आता है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा दे। क्या दिखा दे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश कितना आया गया, विश्वास ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समय बचा नहीं है कि मैं ये वाला पोर्शन करा चुकूँ, बिकॉज इस रूम में दूसरा क्लास है, तो इन दैट केस मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। रिमेंबर, मैंने LOSB नहीं करवाया है, LOSB आई हैव नॉट डन। ठीक है, तो आई विल पिक इट अप नेक्स्ट वीक। रिमेंबर, हूसो एवर हैज ज्वाइंड रिसेंटली, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का चार क्लास है, वो चार क्लास करना जरूरी है बिफोर यू कम टू द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज मैं कैलकुलेटर ये सब यूज करूंगा, समझ में आएगा नहीं। आज का क्लास का बात अलग था। ठीक है, तो और जिन लोग का अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, वो लोग अकाउंट्स का बेसिक क्लासेस जो है वो स्टाफ से बोल के कलेक्ट कर ले।